सभी को राम राम। 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। ढेर सारी शुभकामनाएं दे भगवान आपको, बनाए रखे सुख। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मतलब आपकी जो पेंसिल मिलती है बुढ़ापा पेंसिल। ठीक है, बुढ़ापा पेंसिल रिलेटेड हम वीडियो बनाई है हमने। ठीक है, यदि आपकी पेंसिल नहीं आई है या फिर किसी की रुक गई है या फिर किसी कारणवश कट गई है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि यदि आपकी फैमिली आईडी में आपकी जो अकाउंट नंबर है उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा, कहां पर आपको जाकर उसको एक्टिवेट करवाना होगा, आपकी पेंशन क्यों लेट आती है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरे करेंसीज में सभी का स्वागत है। तो गाइस, यदि आप बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, चाहे विधवा पेंशन लेते हैं, चाहे लाडली पेंशन, चाहे आप फिर एंडिका पेंशन, आप कोई भी पेंशन लेते हैं हरियाणा में हरियाणा स्कीम के अनुसार, उस स्कीम के अनुसार आपको फैमिली आईडी में आपके जो पेंशन अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपके अब उसी फैमिली आईडी में एक्टिवेट करवाना होगा, तभी आपकी फैमिली आईडी के अनुसार उसमें आपकी पेंशन जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाएगी आगे अगले मंथ में। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं करवाया है अपने फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर, जो भी आप पेंशन लेते हैं जिस भी अकाउंट से जिस भी बैंक से, वो अपना बैंक की पासबुक लेके जाएं नियर बाई आपकी सीएससी सेंटर जहां पर भी आपका है, या फिर साइबर किसी पास सीएससी सेंटर वाले पास, वहां पर जाकर अपने फैमिली आईडी में अपने बैंक अकाउंट नंबर एक्टिवेट करवा लें, ताकि आपकी जो पेंशन है वह तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। काफी लोगों की पेंशन बहुत ज्यादा लेट आती है, इसी वजह से अब लेट देने लग गई है सरकार। ठीक है, और जो कटने का भी चांस होगा यदि आपकी इनकम ज्यादा होगी फैमिली आईडी के अनुसार, 5 लाख 2.5 लाख से ज्यादा होगी इसमें, तो भी पेंशन कटने के चांस हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसमें पेंशन या फिर आपकी इनकम है फैमिली आईडी में, उसमें ग्रीवेंस लगाकर उसको कम करवा ले, ठीक करवा ले, जो भी आपको करवाना चाहे उसमें आपके अनुसार। 1,80,000 से ज्यादा है तो उसके अनुसार आपको कम करवा लेनी होगी आपकी फैमिली आईडी में, ठीक करवाए। ठीक है, आपकी फैमिली आईडी में आपको अकाउंट नंबर जल्द से जल्द एक्टिवेट करवा लें, नहीं अगले मंथ में आपके पेंशन कटने के चांस हो जाएंगे, और उसी के अनुसार आपकी फैमिली आईडी में आपके जो अकाउंट नंबर होंगे उसके अनुसार वेरीफाई होने के बाद में भी आपको फैमिली आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपको जो पेंशन लेते हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे आपकी विधवा पेंशन, चाहे आपकी एंडिका पेंशन हो, चाहे लाडली पेंशन हो, कोई भी जो भी आपकी पेंशन है उसी पेंशन के अनुसार, ठीक है, या फिर आपकी फेडीसी पेंशन हो। तो गाइज, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैरे करेंसीज में तरफ से आपको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। नमस्कार, बाय बाय।